Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, uh, I'm going to make an announcement which is that we are going to start with a series for uh, MME1 course which is the semester one course for BA Honours Economic Students. So what we are going to do, we are going to uh, upload regular videos on all the important topics for the MME1 course. So all the important topics like

टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन जिस भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी लग रही है और इफ यूर समी एनर्स इकोनॉमिक्स यू कैन जस्ट फॉलो दीज विज इन अ पर्टिकुलर सीरीज एंड इट बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द कोर्स सो आप या तो इंडिविजुअल देख सकते हैं या फिर देर इज क्रोनोलॉजी विच वी विल बी फॉलोइंग सो यू कैन यूज दैट सो आई होप विल बी हेल्पफुल फॉर यू And if you like the kind of videos that I'm making, so kindly please, you know, uh, like and share and subscribe to my channel. And uh, it'll be great if you could share it with someone who you see is studying for those uh, particular courses or for whosoem, whosoever would find these videos relevant. So uh, I wish you all the best. Let us begin uh, this series with lots of enthusiasm and lots of energy.

Then we will go on to talk about what are rational numbers. Then we will talk a bit about irrational numbers. And once we are done with the, all of that, then we will talk about what are real numbers. So, उसके बाद हम लोग वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दैट वी विल लुक एट अ फ्यू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट सो थोड़ी सी इन डिटेल हम लोग बात करेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं एप्सल्यूट वैल्यू क्या होती है सो so, इंटरवल्स इंटरवल्स एप्सल्यूट वैल्यूज एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंटरवल्यूट वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन ओके? सो लेट एस बिगिन विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम हिंदे पहले वॉट वी वॉन्ट स्टडी इज वॉट आर नैचुरल नंबर्स सो फर्स्ट थिंग नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सो नेचुरल नेचुरलबर्स यू नो इवन द वर्ड इज सही नेचुरल सो बहुत ही नेचुरल चीज है सो so, जो एवरी डे नंबर्स जो हम लोग यूज करते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल सो नेचुरल स्टार्ट कहाँ से होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड देन गो फ्रॉम टू थ्री फोर एंड दे गो लाइक दिस सो द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन दीज आर नेचुरल नंबर्स ठीक है अब उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स नंबर्स के साथ अगर आप एक जीरो भी ऐड कर देते हो इन द सेट ऑफ नंबर्स देन यू गेट व्हाट होल नंबर्स सो सो व्हाट आर योर होल नंबर्स द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड वन टू थ्री एंड सो ऑन दीज आर योर होल नंबर्स ठीक है सो ये आपके होल नंबर्स हो गए उसके बाद हमारे थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं इन टीचर्स सो so, इंटीजर्स क्या होते हैं अगर मैं इंटीजर्स को लिखना चाहूं सो वन फर्स्ट थिंग पहले तो जीरो एंड देन उसके बाद आई वॉन्ट टू गो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड सो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो सेट ऑफ नंबर्स है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स ठीक है सो अगर मैं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एक नंबर लाइन पे सो दिस इज अंबर लाइन नंबर लाइन क्या होता है कि uh, number line पे आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर को रेप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है सो so जैसे जहां पे अगर मैं इंटीजर्स को रेप्रेजेंट करना चाहूँ सो वॉट विस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस लाइन बिकॉज यहाँ पे हमने एक लाइन का सिम्बल किया है मतलब दिस लाइन कैन एक्सटेड इट कैन एक्सटेंड हियर And since here is also a symbol of line, it can extend here. So, what are the numbers here? Minus 1, minus 2, and minus 3. So this is how I can represent integers on a number line. Alright. So this is number line. Number line. So here I have represented integers on a number line. Alright. उसके बाद वंस वी नो व्हाट आर इंटीजर्स उसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सो व्हाट इज द थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आर रैशनल नंबर्स सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ऑल दोज नंबर्स वो सारे नंबर जिनको आप एक पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो सो नंबर्स

जो q है, जो में हमारे पास नंबर है सो ऑल दो नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू और यहाँ पे पी बाय क्यू है दे आर इंटीजर्स एंड q जो हमारे इंटीजर्स है वो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है वो सिर्फ जीरो वैल्यू नहीं ले सकता ठीक है ऑल राइट right. So, अब अब नंबर्स के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रैशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सो जैसे वन बाई टू अब ये एक नंबर है जिसका न्यूमरेटर जिसका पी वैल्यू इज वन जिसके क्यू वैल्यू इज टू सो दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इस नंबर को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ राइट सो दिस इज रैशनल नंबर सिमिलरली लेट्स से आई राइट इलेवन बाई सेवेंटी अब इसमें पी इज इलेवन क्यू इज सेवेंटी दिस कैन बी रिटन इन दम ऑफ पी बास इज पॉसिबल राइट सो दिसनल की बात करो इज जीरोस yes. मैं जीरो को किस तरीके से लिख सकती हूँ आई कैन ऑल्सो राइट जीरो बाई वन सो मेरा जो पी है वो जीरो हो गया मेरा जो क्यू है वो वन हो गया सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर सो सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं दे आर रैशनल नंबर बिकॉज आप सबके डिनोमिनेटर में वन लिख सकते हो ठीक है सो so वो सारे रैशनल नंबर है जैसे माइनस नाइनटीन बाई वन सो माइनस नाइनटीन इज ऑल्सो रैशनल सो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं ठीक है अब हम लोग अगला अगले टाइप ऑफ नंबर जो है वो है हमारा इरेशनल नंबर ठीक है सो so अब हर एक नंबर को आप पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते सो so, अब इस कॉन्सेप्ट से हमारा अगला सेट ऑफ नंबर्स निकल के आता है कि भाई बहुत सारे नंबर्स हैं जो पी में नहीं लिखे जा सकते अब उनको फिर एक अलग से नाम देना पड़ेगा और उसी का नाम हमने रखा है इेशनल नंबर ठीक है सो द फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर आर इैशनल नंबर इनल इेशनल नंबर्स सो वॉट आर इेशनल नंबर्स Irrational numbers, so the numbers which cannot be written in the form of P by Q. Numbers which cannot be written in the form of P by Q. So, जो भी नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में अगर आप नहीं लिख पा रहे हो आप नहीं लिख सकते हो सो so उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे इ नंबर सो जैसे अगर आप इेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखना चाहो एग्जाम्पल आर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कु जैसे अंडर रूट टू है इसको मैं कोई भी पी बाय क्यू कोई ऐसा p कोई ऐसा q है ही नहीं जिसके जिसको मैं p बाय क्यू लिखूं और वो रूट टू के इक्वल आ जाए सो रूट टू इज माई इेशनल नंबर ठीक है रूट थ्री इज माय इेशनल नंबर पाई जो आपने एरिया बढ़ते टाइम आपने सुना होगा पाई इज आल्सो इेशनल नंबर क्योंकि इसको भी मैं किसी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकती so, कई लोगों में कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो अरे ट्वेंटी टू बाई सेवन होती है तो तो ये 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 फ्रैक्शन में में लिख सकती हूं, but ये जो 22 by 7 हम लोग लिखते हैं, होती होती है, ये exact value नहीं होती है, है? नहीं so ठीक इसको आप अपने रखिए सो पाई इज नंबर ठीक है अब मैं क्या चाहती हूँ अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि काफी सारे अब मैं थोड़ा ना और रिफाइन तरीके से इस चीज को डिफाइन करना चाहती हूँ कि किसको मैं रैशनल बोलूंगी मैं किसको इ बोलूंगी ठीक है सो मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाती हूँ और डेसिमल के फॉर्म में बताती हूँ कि कौन से नंबर्स को इेशनल बोलेंगे कौन से नंबर्स को रैशनल बोलेंगे ठीक है सो अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं वी कैन हैव टू केसेस सो वी कैन हैव टू सो जैसे हमें पता है कि डेसिमल क्या होता है कि

इस तरीके के डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे फाइनाइट फाइनाइट मतलब जो इट स्टॉप द डेसिमल के बाद जो नंबर हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं ठीक है सो फाइनाइट फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन सो या तो डेसिमल फ्रैक्शन फाइनाइट होगा फाइनाइट हो गया मतलब यहाँ पे यहां पे हमारा नंबर जो है दो डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया ठीक है और दूसरा केस क्या हो सकता है कि क्या पता मेरा ये जो नंबर है इस तरीके से आए कि ये स्टॉप ही ना हो जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लू हंड्रेड बाई थ्री अगर मैं इसको डिवाइड करने बैठू तो मेरा नंबर क्या आएगा थ्री थ्री पॉइंट थ्री 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 आप इसको डिवाइड करते रहो ये थ्री 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 जो है चलता रहेगा ठीक है सो so, ये एक ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है इसीलिए हम लोग इसको एक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं ठीक है so, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन ठीक है तो so, अब मेरे पास दो तरीके के डेसिमल फ्रैक्शन हो गए फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन और इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन ठीक है ऑल राइट right. और मैं ये देखती हूं कि इनफाइनाइट जो होता है अब इनफाइनाइट में मेरे पास दो तरीके के पैटर्न हो सकते हैं क्या पता मेरे जो नंबर है वो इस तरीके का है कि ये जो डेसिमल्स हैं ये कोई पैटर्न शो कर रहे हैं सो so यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दिस इज डेसिमल के बाद थ्री 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 आई नो अगले नंबर्स क्या होने वाले हैं सो दे आर थ्री 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 सो थ्री इज रिपीटिंग राइट अब क्या पता मेरे पास एक नंबर हो जैसे लेट से इलेवन पॉइंट टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव सो ये टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव दिस इज रिपीटेड क्या पता मेरे पास इस तरीके का नंबर हो ठीक है सो इस तरीके के जो डेसिमल फ्रैक्शन हैं ये इनफाइनाइट है और इनमें एक पैटर्न है तो so, मैं इसको क्या बोल रही हूँ वॉट इज द नेम सो इसको हम लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक पीरियोडिक So so so, जगह आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की ये रिपीट करें सो दिस थ्री 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 इज रिपीटिंग दिस टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव टू सेवन फाइव दिस इज रिपीटिंग दूसरा क्या हो सकता है नॉन पीरियोडिक ठीक है या फिर यू कैन से नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ठीक है नॉन रिपीटिंग ऑल राइट सो अब मैं अगर कैटेगराइज करना चाहूं कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं कौन से इ होते हैं सो so, जो भी नंबर फाइनाइट है फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन जिनका भी है दे आर रैशनल नंबर्स नंबर्स ठीक है सो so, जैसे मैंने अगर 1.25 है इसको मुझे पता करना है कि ये रैशनल है या इन है तो मैं क्या करूंगी दिस इज नथिंग बट 125 ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो मेरे पास कोई एक p वैल्यू कोई एक q वैल्यू है सच दैट इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ सो so, जहां पे भी मेरा डेसिमल फ्रैक्शन एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है वो सारे नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स ठीक है और जब भी मेरे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स की इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस की बात आ रही है सो जो भी पीरियोडिक हैं, जिनमें कोई एक पैटर्न है या जो आपस में रिपीट कर रहे हैं वो सारे नंबर्स होंगे रैशनल रैशनल नंबर्स क्योंकि इनको भी आप पी बाय फॉर्म पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो सो so आपने स्कूल में क्वेश्चन भी देखे होंगे कि प्रूव दैट लेट्स से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री बार इज रैशनल सो so, इस तरीके के क्वेश्चन आपने स्कूल में किए होंगे ठीक है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर अब एक एक टाइप ऑफ इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन है जो नॉन रिपीटिंग है जो रिपीट नहीं होते हैं ठीक है थीके? वो सब हम लोग इेशनल की कैटेगरी में डालते हैं सो दीज टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी इर रैशनल इेशनल सो जैसे पाए है पाए का जो नंबर्स है थ्री पॉइंट वन फोर इसके बाद इसके डेसिमल फ्रैक्शन अलग अलग हैं बट देर इज नो पैटर्न दैट यू इसका एक अलग नंबर आएगा जिसका कोई पैटर्न नहीं है ठीक है so, इसके बाद कोई एक और नंबर आएगा बहुत सारे नंबर्स जो है इट विल बी नॉन रिपीटिंग वो रिपीट नहीं हो रहा है सो दैट इज वाई पाई इज अ रैशनल नंबर ठीक है ऑल राइट सो So, अगर एक डेसिमल फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर है हमें देखना है तो या तो वो फाइनाइट है या तो वो पीरियोडिक है अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम लोग इ नंबर की कैटेगरी में डालते हैं ठीक है इज दिस ऑल राइट ओके सो अभी हमने क्या क्या देखा वी टॉक्ड अबाउट इ नंबर और रैशनल नंबर और एक जनरल आइडिया दे दिया कि कौन से नंबर जनरली रैशनल होंगे और कौन से नंबर जनरली इेशनल होंगे ठीक है सो right. so, अब जब हमें पता चल गया कि रैशनल क्या होता है और इैशनल क्या होता है नाउ वी मूव ऑन टू अनादर टाइप ऑफ नंबर विच इज रियल नंबर सो अब रियल नंबर क्या होते हैं सो रियल नंबर क्या होते हैं रियल नंबर सो अब रियल नंबर इज नथिंग बट जब आप रैशनल और इैशनल का इन दोनों को कंबाइन कर दो इन दोनों का कलेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर ठीक है इट्स अ इट्स अ कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इेशनल नंबर और इसको लिखने का एक और अलग तरीका क्या है जैसे हमने अभी डेसिमल के बारे में बात की तो एक और तरीका क्या हो सकता है सो so, अगर मैं लिखना चाहू रियल नंबर इज डिफाइंड एज एन आर्बिट्ररी इनफाइनाइट डेमल फ्रैक्शन सो रियल नंबर इज नथिंग बट एक आर्बिट्ररी इनफाइनाइट डेमल फ्रैक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं अब जो मैंने पहले डेफिनेशन बोली थी कि रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर का कलेक्शन वो होता है रियल नंबर अब वो इस डेफिनेशन से कैसे आ रही है सो so, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे रियल नंबर्स क्या होते हैं क्या फॉर्म लेते हैं जैसे मान लो एक्स इज अ रियल नंबर और उसकी फॉर्म क्या है प्लस माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है एम अब एक डेसिमल पॉइंट आ गया और एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री इस तरीके से अलग अलग नंबर्स हैं एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री ठीक है सो एम so, जो है एम तो कोई एक इंटीजर होगा इंटीजर होगा और ये जो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री है ये क्या हो सकते हैं दीज कुड बी एनी ऑफ द डिजिट ये सारे कोई भी डिजिट हो सकते हैं एनी डिजिट बिटवीन जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन के बीच में कोई भी डिजिट हो सकते हैं ठीक है सो अब अगर मान लो एक पॉइंट अगर मेरे रैशनल नंबर्स की मैं बात करूं मेरे रैशनल नंबर्स में क्या होगा कि या तो पीरियॉडिक या तो रिपीट करते रहते हैं ये ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये पैटर्न आ गया या तो ये हो सकता है या तो फिर एक पॉइंट के बाद आ, वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा सो so, जैसे अगर एक नंबर है वन पॉइंट टू फाइव इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मेरा M क्या हो गया एम इज वन माइल टू माइल और फोर uh, क्या हो गया जीरो ऐसे बाकी सारे जो नंबर हैं वो सब जीरो हो गए राइट सो मैंने अपने रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया अब मेरा अगर कोई रिपीटिंग नंबर है जैसे रिपीटिंग नंबर का एग्जाम्पल हो गया लेट से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 सो इस केस में मेरा नंबर इस तरीके से लिखूंगी मैं यहाँ पे मेरा जो एम है एम इज नथिंग बट थर्टी थ्री फिर मेरा एक डेसिमल पॉइंट आया और फिर मेरा एल्फा वन थ्री अल्फा टू थ्री अल्फा एल्फा थ्री थ्री अल्फा फोर थ्री इस तरीके से अलग अलग अल्फाज को मैं ये नंबर जो है असाइन कर सकती हूँ ठीक है और अगर मेरा इ नंबर हो इैशनल नंबर में ये जो नंबर ये जो फ्रैक्शन जो डेसिमल होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा तो मतलब ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इसमें कोई एक पैटर्न नहीं होगा तो जैसे जैसे आपके फ्रैक्शंस लाइक like जो भी आपका नंबर है जैसे पाई में आगे जो भी नंबर्स हैं सो अलग अलग अल्फा अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं राइट right? तो रियल नंबर एक जनरल तरीका है सो तो ये जो तरीका हमने लिखा है दिस इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल रैशनल नंबर सो रियल नंबर इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इेशनल नंबर ठीक है सो दिस इज नथिंग बट रियल नंबर ठीक है अब रियल नंबर अब हमारे पास ना चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है हमारे वो क्या क्या होते हैं कि आप एडिशन कर रहे हो एडिशन आप कर रहे हो सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और आप डिविजन कर रहे हो ये हमारे चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं टिक ऑपरेशन ठीक है सो so, आप रियल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन करते हो सो so, मतलब अगर आप दो रियल नंबर को ऐड कर रहे हो दो रियल नंबर कर रहे हो दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो दो रियल को डिवाइड कर रहे हो तो जो भी आंसर आएगा जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में ही होगा ठीक है सो so, ये दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट आई वॉन्ट टू मेक कि रियल नंबर पे कोई भी दो रियल नंबर है उनपे कोई भी आप

डिवाइड बाय जीरो हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते वी कैन नॉट जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है सो so, जैसे अगर मेरा कोई एक रियल नंबर है ए सो ए बाय जीरो जो नंबर है ये डिफाइंड ही नहीं है दिस इज नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर ए सो आप कोई भी एक रियल नंबर ए ले लो उस पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए ये वाला जो ऑपरेशन है ए बाय जीरो दिस इज नॉट डिफाइंड सो काइंडली कीप दिस इन माइंड ठीक है सो दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड ठीक है इसको आपने अपने माइंड में रखना है सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ संबडी आस्क यू समी आस्क यू क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर विच रियल नंबर फॉर विच रियल नंबर वो कौन सा रियल नंबर है एक्स फॉर विच रियल इज दिस कौन से रियल नंबर की वैल्यूज है एक्स की जिसके लिए ये वाली जो टर्म है ये वाली जो टर्म है दिस इज डिफाइंड ठीक है सो so, हम इस चीज को आंसर करने के लिए क्या करेंगे हमें पता है कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर जीरो बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए तो डिनोमिनेटर में जीरो कब होगा सो so डिनोमिनेटर में जीरो कब होता है सो दिस डिनोमिनेटर विल बी जीरो वेन सो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो वेन वेन एक्स इज इक्वल टू फोर राइट सो जब एक्स फोर होगा तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो होगा सो so ओनली जब एक्स की वैल्यू फोर है तब ये वाला जो नंबर है ये जो भी डिवीजन डिविजन है ये डिफाइंड नहीं होगा उसके अलावा आप एक्स की कोई भी वैल्यू लो जीरो लो वन लो टू लो फाइव लो माइनस टू लो कुछ भी ले लो दिस इज डिफाइंड ठीक है सो वॉट आर द रियल नंबर फॉर विच दिस इज डिफाइंड सो सो सारे रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फोर सो फोर को छोड़ के कोई भी आप रियल नंबर ले लो ये पूरा का पूरा नंबर जो है उसके लिए डिफाइंड होगा ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक दिसकस रिगार्डिंग एंड देन रियल नंबर सो हर एक नंबर आप देख रहे हो जैसे uh, हम देख रहे थे कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर एक मेरा नेचुरल right, नंबर है नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो तो होल नंबर बन गया सो so, मेरा एक और बड़ा नंबर बड़ा एक सेट आ गया होल नंबर का होल नंबर ठीक है अब जब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स और भी ज्यादा हैं लाइक like, सारे के सारे होल नंबर आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स राइट सो मेरे इंटीजर्स और बड़े हो गए दीज आर माई इंटीजर्स राइट फिर मैंने देखा कि मेरे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आया So, मेरे सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो थे रैशनल नंबर्स जो थे उसने ये सबको कवर कर लिया दीज आर रैशनल नंबर्स राइट और मेरे इ नंबर्स जो है ये थोड़े से साइड में आ गए इ नंबर्स और जब मैं इन दोनों का भी कलेक्शन ले लू इन दोनों को कलेक्शन ले लू तो मेरे पास क्या आ गए रियल नंबर्स तो जब मैं इन दोनों को लेट से कंबाइन कर लू इन दोनों को मैं जब कंबाइन कर लू सो काइंडली अज्यूम कि ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है सो so इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो आप एक रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हो ठीक है सो एवरी स्टेप एवरी स्टेप ऑफ द वे हमारा जो सेट है हम बढ़ा रहे हैं ठीक है सो दिस इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस रिगार्डिंग आर फर्स्ट लेक्चर ऑन रियल नंबर सिस्टम आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट intervals after that we will also talk about inequalities. so jo hai, these are basics jo aapke bar -bar, uh, you know different, different concepts mein so you need to have a better understanding of that so i hope this video was helpful for you and if it was kindly share it with your friends and uh, do not forget to subscribe to my channel for uh, all the updates on the videos that i upload so take care i will see you in the next lecture thank you so much